एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया, बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब आरक्षण को लेकर के भी ओवैसी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। केंद्र सरकार के निशाने पर मुस्लिम है, ओवैसी ने यह कहा, सरकार ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया है। आरक्षण की जो लड़ाई है वो एक बार फिर इस बार के लोकसभा चुनाव में हावी होती नजर आ रही है और अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बड़ी बातें आरक्षण को लेकर के मुस्लिम समुदाय को लेकर के कही गई। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी, खत्म हो जाएगा ये आरक्षण, केंद्र सरकार के निशाने पर मुस्लिम समाज है। सुनिए, आजादी के बाद से अब तक अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो दलित और मुसलमान आरएसएस से मुकाबला कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 400 पार का मतलब संविधान को खत्म करना है। ये बीजेपी अब नरेंद्र मोदी बोल रहे, अंबेडकर भी अगर आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। नरेंद्र मोदी झूठ मत बोलो, झूठ बोले तो काला कौवा काटे। तुम्हारे राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज बयान दी कि अगर 400 मिलेंगे तो चेंज कर देंगे। हमारे दलित भाई जान चुके हैं कि आरक्षण को खतरा है अगर मोदी दोबारा आएगा तो। हमारे देश के वजीर आजम बोल रहे हैं हम घुसपैठी हैं, बोल रहे हैं कि हमारी बहनें बेटियां बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं और हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाल के दे दिया जाएगा। मोदी जी आपको बताता हूं, हमारा अकीदा यह है कि हम इस देश में कैसा है, हमारे डैडी बाबा आदम अब्बा आदम जब निकले वहां से तो पहला कदम उन्होंने यहां पर रखा, हमारी अम्मा हव्वा जिद्दा में। जब अब्बा यहां कदम रखे मोदी जी, अब्बा की जमीन में मैं कैसा घुस बैठी। मोदी जी ये मेरे बाप की जमीन है, मैं यहां पर अब्बा की जमीन में घुसपैठी कैसा हो गए।